आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत इजराइल गाजा युद्ध से जुड़ी सबसे सनसनीखेज खबर के साथ करने जा रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को इजराइल की मदद के लिए भेज दिया। सिर्फ एक नहीं, अमेरिका के दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। अमेरिका के ये युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर देंगे तो समझिए वो इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, जोरावर, इसके आने से हमास में मच गई खलबली। इजराइल की मदद करने आया अमेरिका का महाबली। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस समंदर से आग बरसाएगा, मिसाइलों से बारूद बरसाकर ये गाजा को दहलाएगा। इसमें लगी मिसाइलें गाजा का सर्वनाश करने की शक्ति रखती हैं। इससे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा को खंडर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने समंदर के सबसे बड़े जंगबाज को आगे बढ़ा दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईरान, लेबनान और सीरिया के कूदने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंग में एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समेत इजराइल के सभी दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का ये दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है, इशारा ये कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there. By your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस दो युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मू होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने दो परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इसराइल के पास भूमध्य सागर में पहुंचे अमेरिका के युद्धपोत अब तक खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध समेत कई युद्ध लड़ चुके हैं। इन युद्धपोतों को भूमध्य सागर में भेजने का मकसद ये है कि सीरिया और हिजबुल्ला को इस युद्ध से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर ये लोग शामिल हो गए पूरी तरह से तो खाड़ी में एक भयंकर युद्ध होगा और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि इसराइल कई फ्रंटों पर युद्ध लड़े।
अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है, यानी दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 4 मीटर अधिक ऊंचा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 337 मीटर लंबा है, यानी किसी भी ट्रेन के 14 डिब्बों से भी बड़ा। इसराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में पहुंचा फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर 70 फाइटर जेट ले जाए जा सकते हैं। इनमें सबसे घातक F-35, F-18 जासूसी विमान और हेलीकॉप्टर तक तैनात रहते हैं। इस युद्धपोत को 4,500 नौसैनिक चलाते हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इसी बीच इसराइल ने दावा किया है कि उसने हमास की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली है। हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए इसराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इस बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज ये दिखा दिया है कि वो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा के लिए मदद करता है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि अगर मौजूदा जंग में युद्ध विराम नहीं हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि लेबनान और सीरिया के साथ इसराइल की उत्तरी सीमाओं पर ताजा गोलीबारी शुरू हो गई है। लेबनान और सीरिया से रॉकेट दागे गए हैं। इसी वजह से इसराइल ने उत्तरी सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं दक्षिणी सीमा से इसराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इसराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इसराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इसराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इसराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्ते की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रही। अभी जस्ट एक धमाका सुना और इसी तरह से रह रहकर धमाके की आवाज आ रही है, लगातार हमला किया जा रहा है। ये सामने देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इधर शहर नुमा एक आपको दिख रही आकृति, करम दिखाइए, इधर से थोड़ा साफ दिखेगा, इधर से साफ दिखेगा, ये देखिए शहर नुमा आकृति जो आपको दिख रही है यहाँ से, वो गाजा में पड़ता है। सामने करम दिखाइए, वो सामने, ये सब गाजा के अंतर्गत आते हैं। क्लोज करके दिखाइए, तो आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे गाजा पर लगातार इसराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, कैसे इसराइल की सेना ने लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया। इसी बीच अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में भेज दिया है। अमेरिका का ये बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, इन सब में हर तरह की 1,000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उनके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इसराइल के गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इसराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इसराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इसराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है और इसराइल गाजा में घुसकर बहुत बड़े युद्ध को अंजाम दे सकता है।